भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद मोर्चरी के सामने पुलिस के खिलाफ शुरू किया धरना। भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष ने पुलिस उत्पीड़न के बाद आज दोपहर फांसी लगाकर की थी आत्महत्या। कई मुकदमों के चलते डिप्रेशन में चल रहे थे ब्लॉक अध्यक्ष आनंद प्रताप उर्फ नीटू चौहान। मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे इलाके के रहने वाले थे किसान नेता। तत्कालीन इंस्पेक्टर शक्ति सिंह पर परेशान करने का परिजनों ने लगाया था आरोप। मोर्चरी में रखा है किसान नेता का शव। ये थाना मुडा पांडे में भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष थे, उन्होंने आज दोपहर में आत्महत्या कर ली और उसी को लेके किसानों में थोड़ा रोष था। पूर्व में उन पर एक मुकदमा भी दर्ज था, इसमें जिस बात के लिए रोष था उनसे उनके लिए तहरीर ले ली गई है, उस पर जांच करी जाएगी और मानवता के आधार पर जितनी भी इस व्यक्ति की परिवार की मदद की जा सकती है प्रशासन द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये थोड़े बीमार भी चल रहे थे और इनका इलाज भी चल रहा था पूर्व में। ये पूर्व में एक मुकदमा लिखा गया था, उसमें तहकीकात की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछताछ की गई होगी और जिस इंस्पेक्टर की बात की जा रही है वो लगभग 20-25 दिन पहले वहाँ से दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। बाकी जितने भी इनके द्वारा आरोप लगाए गए उनकी जांच करा ली जाएगी, अगर कोई भी ऐसी बात होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर आज भी जानकारी ये मिली है कि आज भी जो पूर्व क्या थाना अध्यक्ष मुंडा पांडे के शक्ति सिंह उनसे क्या कहते हैं मृतक की बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। अभी ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में नहीं आया, बाकी जांच कराई जा रही है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर क्या नाम है आपका? ऋषिपाल सिंह। ऋषिपाल जी, किस संबंध में यहाँ मोर्चरी पे बैठे हुए हैं आप? देखिएगा, ये बहुत बड़ा विषय है और हमारा ब्लॉक अध्यक्ष नीटू चौहान जो आज इसके साथ घटना है, आज इन्होंने फांसी का जो निर्णय लिया है, इसे ये पता चला कि बहुत ज़्यादा इसे टॉर्चर किया गया और भारतीय किसानों का एक ऐसा सिपाही हमारे बीच से गया है जो पूरी क्षति पूरे यहाँ मुंडा पांडे या जनपद मुरादाबाद को नहीं पूरे राष्ट्र को संगठन में बहुत हानि हुई है। और हमारी मुख्य जो मांग समस्या है कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है, जो वार्ता है, चाहे पुलिस से हो, प्रशासन से हो या आपस में हो, परिवार में हो, उसकी जाँच होनी चाहिए। और जो पंजीकृत मुकदमा जिस लोगों ने इनके खिलाफ कराया है वो मुकदमा पंजीकृत हो, उसकी जांच हो और मुआवजा जो बच्चे हैं, एक 12 साल की बच्ची बेटी है, एक 8 साल की बेटी है, वो परिवार है, तो इस संगठन का दायित्व बन जाता है कि जब तक समस्याओं का हल नहीं होगा तब तक यहाँ भारतीय किसानों का पूरा प्रदेश को भी यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, वो यहाँ सब लोग आना शुरू हो गए और जब तक ये समस्या हल नहीं होगी तब तक यहाँ वापस नहीं जाएंगे। और यहाँ मुख्य समस्या ये है कि बताइए, आज आदमी फांसी लटक गया, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये कितने इसके नोट्स लिखे हुए हैं, इसके मोबाइल में क्या रिकॉर्डिंग है, सारी बातों में विस्तार पर इस पर जाना पड़ेगा। हमारे राष्ट्रीय जो प्रवक्ता जी हैं या हाईकमान हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी इस पर निर्णय ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हमारे सब लोग इसमें ध्यान से आने शुरू हो गए हैं, वो आ रहे हैं, उसी के बाद इसमें निर्णय लिया जाएगा। ये सब इसमें रिकॉर्डिंग है, इसमें जो बहुत ज़्यादा इसे टॉर्चर किया गया है और पुलिस का बहुत ज़्यादा इसमें उत्पीड़न हुआ है और कई महीने लगातार इसमें हो गए। हमारी जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद से बात हुई थी, उन्होंने इसमें विश्वास भी दिलाया था, बात भी एसपी सिटी से करी, इंस्पेक्टर मुंडा पांडे से बात की उन्होंने, और कई बार हमने इस चीज़ के लिए ज्ञापन भी दिया और कहा कि ये मुकदमा वापस होना चाहिए। ये जो किसान है, जो अन्नदाता है, ये पूरे देश का पेट भरता है, इसका मुकदमे से क्या मतलब है। एक समय पुलिस द्वारा डिप्रेशन में आई है, हाँ ये बिल्कुल प्रमाणित है, ये बात, ये रिकॉर्डिंग है, ये बात सब जांच में आ जाएगी, इसमें कोई हम नहीं बोल रहे, ये सब इसमें जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा इसमें। केवल अब तो इस समय मुख्य बात ये है कि प्रशासन इसमें मुकदमे को पंजीकृत करे और इसकी जाँच करे। क्या चाहते हैं? बस हमारा तो यही मामला है कि बॉडी यहाँ है, पूरा किसान यहाँ बैठे हैं और जब तक ये समस्या हल नहीं होगी तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे यहाँ से।